लौकी के छिलके की चटनी। लौकी के छिलके की चटनी बनाने की विधि। गर्म पैन में डालें थोड़े तिल और इन्हें सूखा भूनें। थोड़ा सा भूरा रंग आने पर चूल्हा बंद कर दें और तिल को ठंडा कर मिक्सी में पीस लें। अब आप दोबारा चूल्हा चालू करें और पैन में थोड़ा सा तेल डालकर डालें लौकी या घिया के छिलके, 2 से 3 कटे हुए हरी मिर्च, 3 से 4 लहसुन की कलियां, चुटकी भर हल्दी, सूखा इमली डालकर धीमी आंच पर चलाते हुए इन्हें पकाएं। इस पर ढक्कन लगाएं और 5 मिनट तक इसे पकने दें। 5 मिनट बाद ढक्कन हटाकर देखें, छिलके और बाकी सभी भी पक गए हैं। अब अपना चूल्हा बंद कर दें आप और ठंडा कर इन्हें मिक्सी में पीस लें। ऐसे ही सूखा या फिर थोड़ा पानी डालकर पिसी हुई चटनी तो तैयार है। अब बस तड़का लगाने की देरी है। चूल्हा चालू करें फटाफट और पैन रख कर इसमें डालें थोड़ा तेल या घी, ज़ीरा, कुछ राई के दाने, चना दाल, उड़द दाल, कड़ी पत्ता और सूखे लाल मिर्च के टुकड़े। इन्हें थोड़ा सुनहरा रंग आने तक पकने दें और अब इसे चटनी पर ऐसे डाल लें। मज़ेदार लौकी के छिलके की चटनी तैयार है। गर्मा गर्म चावल के साथ परोसें।